हेलो दोस्तों, एप्रेसिडी पॉइंट चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगता है और बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। बट गाइस, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम आपको 5 से 10 सेकंड्स के अंदर में इसको हम सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एवं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है बताएंगे, बाकी आप उसको जैसे एक बार बनाइए तो आपको समझ में आ जाए और आप इसको देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एक ही चीज़ बहुत बार रिपीटेड है। एक ही चीज़ क्या है, बहुत बार रिपीटेड है। देखिए, ये 6 पूर्ण 1/7 3 बार है, फिर प्लस है, फिर 3 पूर्ण 1/7 3 बार है। तो आप लोग एक चीज़ आप लोग को याद होगा कि आप लोग कैसे इसको बनाना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे पहले हल लिखना है, किसी भी मैथ का क्वेश्चन उसको बनाइए तो पहले हल लिख लिए। ठीक है, और ऊपर लिख लीजिए माना कि, ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं माना कि देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 6 पूर्ण 1/7, यानी 6 पूर्ण 1/7 इसको अगर तोड़ते तो क्या होता है, 7 6 42 1 43, कितना गया 43/7। ठीक है, 43/7। और फिर हम लोग इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लेते हैं। बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा तुम्हारा आपका 3 पूर्ण 1/7, यानी कि 27 21 22/7। ठीक है, तो अब आप लोग को थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये देखिए ए 3 गो है और ए हम 6 पूर्ण 1/7 को माने तो एक कितना है, 1 2 3, यानी कि 6 पूर्ण 1/7 3 गो है। ठीक है, तो ई आपका 3 गो क्या हो गया, आपका ई क्या हो गया, ई आपका 1 क्यू हो गया। ठीक है, 1 क्यू हो गया, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, हम यहाँ पे प्लस का सिंबल दिए। अब देखिए ये क्या है, बी है, तो बी भी 3 गो है तो बी क्यू हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, ए 2 गो है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब क्या है, माइनस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको हम ए माने हैं और इसको हम बी माने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए इंटू बी। ठीक है, अब क्या है, प्लस है, प्लस हो गया। अब क्या है, बी 2 गो है तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार से इसको यहाँ तोड़ते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बटे बुझी, इसका पहले से क्या है, पहले से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका ये चीज़, आपका ये चीज़ और ये चीज़ कट गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो सिंपल है, ए प्लस बी आ गया। अब इसको दोनों का मान बैठा दिए, दोनों का मान बैठा दिए तो क्या आ गया, ए हमारा कितना, ए हमारा है 43/7। ठीक है, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल आ गया। बी क्या है हमारा, बी हमारा है 22/7। ठीक है, तो 22/7 है, इसको अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लिए, 7 हो गया तो 43+22 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या आ गया, 3 2 5 और 4 2 6, 65/7 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आसान था। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब आपको शॉर्ट प्रोसेस देखते हैं, दिखाते बताते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ आप सिंपल देख रहे, 1 2 3 गो माइनस, इसको हम ए मान लेते हैं। देखिए 3 गो ए है तो सीधा ही 1 क्यूब हो गया, ये आपका बी क्यूब हो गया। ठीक है, अब नीचे सेम देखिए उसी प्रकार से है, ए 2 गो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल हो गया, ए इंटू बी है प्लस ए बी है। अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बैठा है और नीचे ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बैठा है। तब आप मन ही मन दोनों को कटा लीजिएगा और सीधा ए क्यू ए प्लस बी कर दीजिए, ए प्लस बी निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 65/7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और हमारा एक और चैनल जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ का वीडियो अपलोड होता है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाइए उसको भी विजिट कीजिए और उसको भी सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।